नमस्कार, मैं जूम इंडिया से राधा कोचर दिल्ली से। इस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉन्ट्रैक्टर की काफ़ी दिनों से जुलाई से स्ट्राइक चल रही है, आज हम उसी बारे में बात करेंगे। सर आपका हम देवेंद्र शर्मा है, मैं डुकू का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे जो कॉन्ट्रैक्चुअल के साथी हैं उनको जो एनटीए का टेस्ट हुआ है जिसमें बहुत धांधलियाँ हुई हैं उसके तहत उन ज़्यादातर को फेल कर दिया गया है, जिसके लिए हमने जो सारी संस्थाएं यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कार्य कर रही हैं उन सब की एक मीटिंग बुलाई थी 18 तारीख को, और उसमें फैसला सभी संस्थाओं ने 18 जुलाई को, तो और एक मत से एक फैसला हुआ था कि 25 जुलाई से हम सब लोग इन कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के समर्थन में जब तक इनको सिस्टम में रेगुलाइज नहीं किया जाता है स्ट्राइक पर चले जाएंगे, और 25 तारीख से हमारी ये स्ट्राइक 25 जुलाई से चल रही है। अब तक जो भी आपका कार्य हुआ है या स्ट्राइक के अंदर जो भी लोग आपसे आए हैं, कुछ आगे बात बढ़ी है, कुछ हुआ है, किसी ने आश्वासन दिया है आपको? सर इस विषय में वीसी साहब ने एक कमेटी बनाई थी जिसके 8 मेंबर हैं, उसमें कुछ कॉलेजों के प्रिंसिपल हैं, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, यूनिवर्सिटी के अधिकारी हैं, जिसमें डीन ऑफ कॉलेज की चेयरमैनशिप में वो कमेटी बनी हुई है। 11 अगस्त को हमारी मीटिंग उनके साथ हुई थी, उन्होंने हमसे जो भी क्वेरी मांगी हमने उनको लिख के दिया है। उसके बाद 23 अगस्त को एक और मीटिंग हुई है, तो जब हमारी मीटिंग हुई हमने उनसे पूछा था भाई आपको जो हमने लिख के दिया था उसका ही रिप्लाई आपने आज तक नहीं किया है, तो टिल टुडे उन्होंने हमें आज तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है। इतना ज़रूर उन्होंने किया है कि जिन लोगों को उन्होंने चिट्ठियाँ दी थी, कुछ लोगों को ज्वाइन करा लिया था, उनको होल्ड पर डाल दिया है। नहीं, उसमें तो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसियाँ हैं जो अभी हमने क्वेश्चन पुट अप किए हुए हैं। जैसे रोस्टर मंडेटरी होता है, रोस्टर जहाँ पर भी अपॉइंटमेंट होंगी या प्रमोशंस होंगी उसके लिए रोस्टर मंडेटरी है, और वो एक साल का होना चाहिए। यूनिवर्सिटी के पास आज तक पीडब्ल्यूडी का रोस्टर ही नहीं है। जब हम लोगों ने क्वेश्चनिंग किया इनसे कि भाई आपका रोस्टर कहाँ है, रोस्टर की कॉपी हमें दीजिए, तो रोस्टर की कॉपी उनके पास है ही नहीं। 2018 का रोस्टर उनके पास, आज तक हम कॉपी मांगे जा रहे हैं हर मीटिंग के अंदर, वो हमें कॉपी नहीं दे पा रहे हैं। तीसरा एक ये है मैडम कि भारत सरकार का 2016 में एक गाइडलाइन आई है कि जब आप पोस्ट एडवर्टाइज करोगे तो विद इन 6 मंथ आपको सारा फॉलोअप करना होगा। तो इन्होंने क्या किया, 2021 में पोस्टें निकाली हैं और 2022 में जाकर इन्होंने टेस्ट वेस्ट कंडक्ट कराया है, और उसके बाद अब 23 में जाकर रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि टाइम बार है, वो तो टाइम बार नहीं कर सकते ये, तो इन्होंने टाइम बार भी किया है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनका इन्होंने फॉलोअप नहीं किया है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, कर्मचारी यूनियन विरोध कर रही है, और धरने पर बैठे हुए हैं हम लोग। सर आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र कुमार पांडे है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारा धरना जो है पिछले 25 जुलाई से चल रहा है, जैसे कि अभी प्रधान जी ने बताया। दो मीटिंगें हुई हमारी, जो है एक 11 तारीख को, एक 23 तारीख को। जो है 23 तारीख की मीटिंग में अंदर बैठे हुए जितने भी अधिकारी थे, 8 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने ये बोला कि आपको आज या कल में बुला लेंगे। जो है 23 तारीख से 13 तारीख कल हमने स्टार्ट किया, बीच में हमने जो है, क्योंकि G20 चल रहा था हमारे बीच में, सारे देशों के माननीय राष्ट्राध्यक्ष आ रहे थे यहाँ पे, जो है तो हमने उसका सम्मान करते हुए 1 तारीख के बाद 2 तारीख से लेकर 12 तारीख तक हमने धरने को पोस्टपोन किया, और 13 से हम बैठे हैं द्वारा जो है। लेकिन 23 तारीख से लेकर 23 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक इन्होंने हमारा जो फैसला था कि एक ही डिमांड है सिर्फ हमारी, जो है कि कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी हमारे सम्मानित साथी हैं उनको सिस्टम के अंदर उनको रेगुलराइज किया जाए और उनको पक्का किया जाए। और जिस तर्ज पे हमारे भारत के माननीय गृह मंत्री जी ने NDMC के अंदर 4400 लोग परमानेंट किए हैं, उसी तर्ज पे ही हमारी डिमांड है कि जो हमारे 600 कर्मचारी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कॉन्ट्रैक्ट के हमारे कर्मचारी साथी हैं, उनको रेगुलराइज किया जाए। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट के साथी हैं सिस्टम के अंदर, इनको 20 से 25 साल हो गए। जो है एक आदमी तो ऐसा है राकेश जी, हमारे 27 साल हो गए उनको सिस्टम में आते हुए, बुढ़ापे की कगार में कहाँ जाएंगे जो ये लोग जो है। और अभी हमने कुछ टाइम पहले ही जब हम जीत के आए थे, इन कॉन्ट्रैक्ट के साथियों के समान काम समान वेतन भी कराया जो है। अब हमारी इस मंच से आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से आपसे भी ये गुजारिश है कि आप हमारी आवाज़ ऊपर के जो हमारे भारत में प्रधानमंत्री जी वहाँ तक पहुँचाएँ कि जितने हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथी हैं, जो भी हमारे साथी हैं, जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, कई तो कॉन्ट्रैक्ट के साथी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मतलब इतने काम करने वाले, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह आते हैं 8:30 बजे, शाम को 5:30, 6:00, 7:00, 8:00, 9:10, कुछ पता नहीं कितना टाइम लगना है अपनी पूरी सेवा देने के बाद, और उनको जो लास्ट में जो धक्का दे दिया गया कि लैब में भी फेल, लाइब्रेरी में फेल, और पास कौन से हुए आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ। हरियाणा के जो लोग थे, हमारे जो साथी थे, हरियाणा के साथियों का सेंटर कहाँ डाला,
किसी का पंजाब डाला हुआ है, किसी का उड़ीसा डाला हुआ है, और एक स्टेट के जो है 75 लोग इन्होंने सुमंदर एनटीए के अंदर धांधलीबाजी करके इन्होंने कम से कम नहीं 22 लाख रुपए एक कैंडिडेट से लिए हैं। और जब हमने धरना किया पहले धरने में उसको होल्ड किया गया, दूसरा जब इन्होंने मीटिंग की 23 तारीख के बाद इन्होंने फिर निकाला उसको, जो है उसको एग्जामिन करने के लिए बोला और होल्ड करने के लिए बोला। हमारी आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है कि जो इन्होंने रिजल्ट निकाला एनटीए का जिसके अंदर करोड़ों की धांधलीबाजी हुई है उसको जो है विड्रॉल किया जाए, और जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथियों इनके कमेटी बना के इसी के अंदर ले आ जाए या भारत के प्रधानमंत्री जी हमारे पास बात पहुँचाई जाए और इनको रेगुलाइज किया जाए। जो है हमारे बीच में हमारे कई संस्थाओं के महासचिव और प्रधान भी हमारे बीच में मौजूद हैं, प्रधान जी हमारे डुकुल सा के यहाँ मौजूद हैं, सारी संस्थाएं हमारे SC ST OBC MIT के अध्यक्ष और महासचिव दोनों यहाँ मौजूद हैं, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनसे भी आप पूछें, जो है हम क्योंकि हम सारी संस्थाएं मिलकर हम इस आंदोलन को जो है पिछले 25 जुलाई से और आज भी हमारी 2 बजे मीटिंग है इसके अंदर जो वर्किंग कमेटी की जो है। धन्यवाद। मेरा नाम नंदकिशोर गुप्ता है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी लेफ्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा यह है एनटीए के बारे में कि फरवरी 2021 में इन्होंने एनटीए की पोस्ट निकाली थी, एडवर्टाइजमेंट करी थी और इन्होंने लगभग 54 कैडर एडवर्टाइजमेंट करे थे, जिनमें सबसे पहले इन्होंने MBBS डॉक्टर लिए थे और जो पोस्टें सबसे पहले भर रहे हैं ये सबसे लास्ट में एडवर्टाइजमेंट हुई थी। इन लोगों ने सबसे पहले नीचे से चैन चलाई, लेबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट और JCT वगैरह को इन्होंने अपॉइंटमेंट किया, और ऊपर से जो पोस्टें हैं हायर पोस्टें इनको उन्होंने हाथ नहीं लगाया। ऐसा क्यों करा? जब इन्होंने सारी पोस्ट एडवर्टाइजमेंट करी, ऊपर से हेल्थ सेंटर के हमारे पीछे हेल्थ सेंटर है, इस हेल्थ सेंटर में मरीजों की लाइन लगी होती है, यहाँ देखने वाला कोई डॉक्टर नहीं है, दवाई देने वाला कोई नहीं है, पहले ऊपर से डॉक्टर भरने चाहिए थे, परंतु इन्होंने अपनी जेब भरने के चक्कर में नीचे से इन्होंने अपनी पोस्टें सारी भरी हैं, जैसे लैब अटेंडेंट, लेबरी अटेंडेंट, JCT। और मैं बताना चाहता हूँ कि 21 के अंदर इन्होंने जो रूल कोड किया 94 का, 94 के रूल के अंदर DOPT का गाइडलाइन है, उसके अंदर जो रूल था इसका NTA का भरने का वो 1.5 साल का था, और जबकि 2016 के अंदर नया रूल आ चुका है DOPT का, इन्होंने वो रूल अडॉप्ट नहीं किया और इन्होंने EC को गुमराह किया। उस रूल के तहत जो 2016 के अंदर रूल है उसमें 6 महीने का है कि जब से पोस्ट एडवर्टाइजमेंट होगी और लास्ट में 6 महीने के अंदर आपको पोस्टें भरनी होंगी, परंतु इन्होंने वो रूल कोड नहीं किया। और सबसे बड़ा इन्होंने जो वायलेशन किया, रूल का वायलेशन किया, वो PWD रोस्टर का किया। PWD रोस्टर यूनिवर्सिटी के पास आज तक भी नहीं है, 21 का रोस्टर इनके पास नहीं है, इन्होंने जो रोस्टर बना के दिया है वो रोस्टर 18 का है, 18 का जो 18 का भी है या नहीं है, वो जो हमारे डायरेक्टर साउथ कैंपस हैं वो कहते हैं कि हमारे 18 तक रोस्टर है, जबकि हमने कॉपी मांगी तो उन्होंने हमें आज तक कॉपी नहीं दी है, और आज 21 आ गया, 21 के बाद भी 21 में इनके पास PWD का कोई रोस्टर नहीं है। मेरी हम्बल आपसे चैनल से रिक्वेस्ट ये है, जो जितनी भी अनियमितताएं इन्होंने एनटीए के अंदर करी हैं वो अनियमितताएं दूर करें और एनटीए को रद्द करें, और जो हमारे साथी काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के इनको सिस्टम में लाएं और इनको परमानेंट करें। धन्यवाद। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप मानते हैं कि यहाँ पे भी धांधली चल रही है ऑन द टेबल अंडर टेबल? मैम मेरा नाम नवीन मनचंदा है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन में कार्यरत हूँ। मैं पिछले 18 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ और मैं इस समय NTA का टेस्ट हम सब ने दिया है, बट NTA के टेस्ट में पूरी तरह धांधली हुई है। जो 18 साल 20 साल से बच्चे काम कर रहे थे उन्हें एक साइड कर दिया गया है, और जो एक ही गांव सोनीपत से रह रहे थे 70 बच्चे उन्हें क्लीन में पास कर दिया गया है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ हम एक्सपीरियंस में काम करने वाले हैं, जो बंदे आप अननोन को आप कर रहे हो वो ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें इतनी एक्सपीरियंस नहीं है सीटों का, हम एक्सपीरियंस वन हैं। तो हम सिर्फ यही कहते हैं NTA को कैंसिल किया जाए, हम जो कॉन्ट्रैक्ट पे बच्चे काम करें उन्हें ही पक्का किया जाए, क्योंकि 52 में पोस्टों को एडवर्टाइज़ किया, सिर्फ 5 पोस्टों को ही क्यों इन्होंने वो किया गया। मैं सिर्फ यही कहता हूँ हम NTA को किसी रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें कई सारी खामियाँ हैं, ना तो इसमें PWD का रोस्टर है, 6 मंथ के अंदर वो होना चाहिए टेस्ट को क्लैरिटी, वो भी नहीं की गई है। मैं सिर्फ यही कहता हूँ इसे कैंसिल करो और कॉन्ट्रैक्ट को पक्का करो। थैंक यू। सर आपका नाम? मेरा नाम सुभाष भारती है जी, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस डॉक्टर अंबेडकर एम्प्लॉई वेलफेयर एसोसिएशन और SC ST OBC एंड माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट हूँ, उसी के नाते से कर्मचारियों का काम देखते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय का। मैं आपके माध्यम से मैडम ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा देश है एक संविधान से चलता है, और इसी प्रकार से हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय का भी एक संविधान है जिसको हम EC और AC बोलते हैं, जो हमारी जो भी हमारी चीज़ें होती हैं तय वो EC में जाके पास होती हैं,
और एक रोस्टर नाम की एक प्रणाली है जिससे दिल्ली यूनिवर्सिटी चलती है। उस रोस्टर में इतनी खामियां पाई गई हैं और उस रोस्टर में इतनी खामियां पाने के बाद हमारे डुक के प्रधान देवेंद्र भाई ने, हमारे सेक्रेटरी साहब ने, रविंद्र पांडे जी ने, अथॉरिटी के साथ हम सब ने मिलकर बताया कि भाई ये खामियाँ हैं, उन खामियों को आप पूरा करिए। लेकिन अथॉरिटी टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आज हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में जो विश्व के अंदर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहलाती है, उसके अंदर तमाम प्रकार के एग्ज़ाम हम लोग कराते हैं, लेकिन ऐसी ये एनटीए चिड़िया कहाँ से आई जिसकी स्टूडेंट की और नॉन टीचिंग की ही एग्ज़ाम ये करा रही है एनटीए, टीचिंग का नहीं करा रही, और इसी में धांधलेबाजी हो रही है। ऐसे ऐसे लोगों को भर्ती किया गया है जिनको एप्लीकेशन लिखने नहीं आती, अपने साइन तक करने नहीं आते, ऐसे ऐसे लोग भर्ती किए गए हैं। मैं मैडम ये बताना चाहता हूँ कि आज पूरे देश के अंदर जो कुठाराघात कर्मचारियों पर किया जा रहा है, चाहे वो राज्य कर्मचारी है, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी है, ये सरकार हित में भी ठीक नहीं है और जनता के हित में भी ठीक नहीं है। इससे जो 20-20 साल 15-15 साल के लोग जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे थे, अनुभवी व्यक्ति थे, या तो वो नकारे थे तो उनको उसी टाइम क्यों नहीं निकाल दिया गया, जब वो परमानेंट होने के कगार पे आए तो उन लोगों के साथ इतना बड़ा मजाक क्यों किया गया। भाई इतने जब हम आज किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं तो वो कंपनी भी ये पूछती है कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस है क्या, इनके पास तो 15-15-20 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद इनको नकार दिया गया। तो मैडम हमारी डिमांड यही है, जितने भी दिल्ली विश्वविद्यालय में डुकू के आह्वान पर हम सभी संस्थाएं मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलता, हमने ये संकल्प लिया है कि हम इस लड़ाई को कमज़ोर नहीं करेंगे और लड़ेंगे, पूरे दमसम के साथ लड़ेंगे। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से आपके द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों में तो इतना साहस है, मीडिया हमारे देश का एक चौथा पिलर होता है जो सत्ता से सवाल पूछता है। आज मीडिया इस तरीके इस कगार पे आ चुकी है कि अथॉरिटी से या सरकार से सवाल पूछने के काबिल ही नहीं है। और मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी हिम्मत जुटाई कि अभी आप इन कर्मचारियों का दर्द सुनकर और हमारे बीच में आ पाए। मैं और मेरी संस्था और मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय आपका भी धन्यवाद करता है, क्योंकि क्या होता है कि जो ये घटनाएँ घट रही हैं इसमें कोई भी रूल इन्होंने फॉलो नहीं किया। DOPT 2016 की भारत सरकार की है, उसके अकॉर्डिंग भी हमने ये कहा कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा, हमने भी कहा कि अभी 6 महीने का उसमें मैक्सिमम पीरियड होता है कि अभी जो आप एक्सरसाइज करोगे 6 महीने के अंदर आपने उसको पूरा करना है। इन्होंने 6 महीने की एक्सरसाइज को भी दरकिनारे करके 18 महीने को टच किया, जबकि वो रूल के खिलाफ है। हमारी डिमांड सिर्फ ये है कि अथॉरिटी इस बात पर संज्ञान ले, ये बहुत मोटा घपला है। जिस तरीके के जो अथॉरिटी के कान पर जूम नहीं रेंग रही, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं झोल तो है। इस झोल के कारण ये लोग हमारी संस्था या हमारे कर्मचारियों की आवाज़ को नहीं सुन रहे। इन्होंने इतनी निकम्मा ये अथॉरिटी बैठी है, इन अथॉरिटियों को ये नहीं पता कि रोस्टर बनता है कैसे है, कैसे नहीं बनता। अगर हम आप DPC भी करते हैं, किसी प्रमोशन करते हैं किसी साथी की, कर्मचारी की, किसी कॉलेज के अंदर, तो हम उसको अपडेट कराते हैं रोस्टर को। रोस्टर हमारा एक कैटेगरी में था, उसमें SC ST OBC और जनरल कैटेगरी और PWD, उसमें सारी एक श्रृंखला बनकर तैयार होती है। उसी से हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिस्टम चलता है, ताकि उस सिस्टम को इन्होंने फॉलो नहीं किया। उस सिस्टम में भी बहुत सारी कमियां हैं, ना ही इन्होंने SC कैटेगरी को, OBC को और जनरल कैटेगरी को, ST को, PWD को, कहीं भी इन्होंने किसी को टच नहीं किया। जिन्होंने अपनी मनमानी की और अपने मनमानी तरीके से इन्होंने, जैसे कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि इन्होंने कहीं ना कहीं, मुझे भी लगता है कि इन्होंने पैसे का झोल है। जब पैसे का झोल नहीं होता तो ये इतनी बड़ी मनमानी नहीं करते, किसी ना किसी बात को तो मानते, क्योंकि देश हमारा संविधान से चलता है, हिटलर साइज से नहीं चलता। आज पूरा देश हमारा इस बात को देख रहा है। मोदी जी को हम जो लेकर आए थे, ये पूरा समाज जो मोदी जी को लेकर आया था, मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरे मन में भी कहीं ना कहीं टीस है कि जिस मनसा से हम मोदी जी को लेकर आए थे, मोदी जी के जो निचले स्तर के जो लोग हैं वो उस चीज़ को नहीं चलने दे रहे। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी रजिस्ट्रार हैं, AR GR विद वाइस चांसलर, उनके संज्ञान में सारी बातें आने के बाद भी उनके कान पे जूम नहीं चल रही। अरे कम से कम हम तुम्हारे कर्मचारी हैं, हम हैं तो तुम हो ना जी। स्टूडेंट है तो हम हैं और हम हैं तो सिस्टम है। सर आपकी कंसर्न अथॉरिटी से बात हुई है? हमारी डुकू को 2 बार उन्होंने मैसेज दिया, और 2 बार जब मैसेज दिया तो हमारे सभी संस्थाओं के पदाधिकारी उसमें गए मिलने के लिए। 2 बार जब उनसे भेंट हुई तो हमने सभी ने कहा, हमारे डुकू के प्रधान जी ने भी कहा, हमने भी कहा कि भाई ये तुम्हारी कमियाँ हैं। हमने पेपर दिया उनको, लिख के दिया, उसका कोई जवाब नहीं है। उनके पास उस चीज़ का कोई आधार नहीं है। उन्होंने सारी बातों को नकारा है और कहा कि भाई हमसे ये भूल हुई है, लेकिन भूल होने के बाद पेपर हमसे ले लेते हैं, उसके बाद जो ना फिर वो दूसरा एग्जाम वो निकाल देते हैं पेपर,
कि ये तो ऐसे है जिसमें कि कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होती या प्रमोशन नहीं होती, तो उसी रोस्टर को हम अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है कि उसमें डेथ केस भी होते हैं जी, उसमें और भी कई सी चीज़ें होती हैं। जब भी हम कोई नई पोस्ट क्रिएट करते हैं तो उस नई पोस्ट क्रिएट करने के लिए हमें अपडेट पेपर चाहिए होता है, जो इनके पास नहीं है। और फिर मैडम ये बताओ ना, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने तो फिर भी हिम्मत करी है, दूसरे जो मीडिया हो तो आ नहीं रही। हमारा धरना इतना लंबा चल रहा है, कितने शर्म की बात है, जो शिक्षक है, जो मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय का इतना बड़ा तंत्र है, वो रोड पर बैठा है इस बड़ी गर्मी के अंदर। एग्ज़ाम बच्चों के चल पड़े हैं, कॉलेज खुल चुके हैं, उन बच्चों को सफ़र कर रहे हैं, बच्चे हमारे ही हैं, कष्ट हमें भी है कि वो बच्चे हमारे ही हैं, लेकिन अथॉरिटी के जहन में ये चीज़ नहीं आ रही कि भाई हम इन बच्चों का भविष्य कहाँ ले जा रहे हैं। पहली बात तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसको ही बहुत दिनों डिले कर दिया, जो हमारे एडमिशन जिस टाइम होते थे वो एडमिशन उस टाइम नहीं हुए, जिस टाइम पढ़ाई स्टार्ट होनी थी उस टाइम पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई। जब से ये वाइस चांसलर यहाँ पे आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मनमानी चल रही है। इनका एक चंडाल चौकरी जिसको बोलते हैं देसी भाषा के अंदर, हम सब लोकल हैं, तो वो चंडाल चौकरी वहाँ पे काम कर रही है, उनके आसपास कोई चीज़ सुनने को नहीं मिल रही। जैसे एक अहंकार जो आया था, वो अहंकार इनके अंदर आ चुका है, और इन अहंकार इस दिल्ली यूनिवर्सिटी को ही नहीं पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। तो मेरा इस मीडिया के माध्यम से कहना यही है कि भाई हम जिस मानसिकता से हमने परिवर्तन लेकर आए थे, उस मानसिकता से देश का भला, देश का जो है ना उद्धार, देश का विकास, देश का होना चाहिए, भला होना चाहिए, जिसमें कि आम जनमानस उसमें जीवन अपना व्यतीत कर सके बढ़िया से, यही हमारी डिमांड है। और हमारा कोई शौक नहीं है, हम इतनी गर्मी के अंदर बच्चे को एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई चालू हो चुकी है, प्रैक्टिकल चालू हो चुके हैं, और हम उस बात को लेकर धरने बैठे, हमारा शौक नहीं है, ये हमारा कोई वो नहीं है। हम तो एक अच्छी डिमांड को लेकर अथॉरिटी को समझाना चाह रहे हैं कि भाई अथॉरिटी इस बात के संज्ञान लेके समझे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने हमारी बात को बोलो थम्स अप करे था। मैम आपका नाम और आप अपनी राय रखना चाहेंगी। बिल्कुल, मेरा नाम सुमन गौर है, मैं पिछले 16 साल से कार्यरत हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अभी रिसेंटली मैं यहीं नॉर्थ कैंपस में ही पोस्टेड थी, बट अभी रिसेंटली मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया है साउथ दिल्ली कैंपस। और हम लोगों ने अपना 100% दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में, बट अब इस तरह से हमें इस स्टेज पे आके नकारा जा रहा है, जो हम 20-25 साल की उम्र के थे जब हमने ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है, बट आज हम लोग सभी लगभग 40 क्रॉस कर चुके हैं, और इस टाइम पे हमें जॉब से निकाला जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। NTA कैंसिल होना चाहिए और हम लोगों को परमानेंट किया जाना चाहिए, बिल्कुल भी गलत हो रहा है। कोई असिस्टेंट, कोई सीनियर असिस्टेंट, कोई जूनियर असिस्टेंट के सीट पे कार्यरत है, और सभी अपना 100% दे रहे हैं। मैंने हमारे लैब लाइब्रेरी के भाई हैं, बहनें हैं, सब कुछ है, और वो भी अपनी सीट के अलावा भी और बहुत काम देखते हैं, और एक कंसोलिडेटेड पे है जिस पे हम अपना काम करते हैं। आपको, आपके परिवार को भी आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी, इतने साल यहाँ देने के बाद आपकी और भी उम्मीदें बढ़ गई होंगी, क्या आप निराश हैं? बिल्कुल निराश हैं हम लोग। आज इस मौके पे जहाँ इस एग्ज़ाम के जरिए हमें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए था हमारे कामों के लिए, हम लोगों को परमानेंट किया जाना चाहिए था, हमारी जगह दूसरे लोगों को लाके, और वो भी ऐसे ही कि जिनको ये नहीं पता डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, 10th का डॉक्यूमेंट, 10th का सर्टिफिकेट क्या होता है, 12th का सर्टिफिकेट क्या होता है, लाइब्रेरी या लैब का सर्टिफिकेट क्या होता है, उनको ये तक पता नहीं है। ऐसे लोगों को लाके पोस्टों पर बिठाया जा रहा है और हमें इग्नोर किया जा रहा है, ये तो बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। क्या आप इसमें पूरी पूरी धांधली का हाथ मानती हैं? मैं मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि अंडर टेबल पेमेंट्स हो रही हैं। बिल्कुल हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं, हम लोगों ने लिख के ये सारे, हम जितने भी हैं जिनके साथ भी प्रॉब्लम्स हुई हैं या जिन्होंने भी वहाँ पे जो भी देखा है NTA में एग्जाम टाइम पे, एक भी ये सेंटर ऐसा नहीं है जहाँ लाइट ना गई हो। इवन लोगों को यहाँ तक कहना है कि वहाँ पे क्वेश्चन आंसर अपने आप मार्क हो रहे थे, जो कैंडिडेट है वो आराम से बैठा है, उसके क्वेश्चन आंसर अपने आप मार्क हो रहे हैं। इवन एक घंटा पहले कमेंसमेंट का टाइम था सेंटर पे, 1.5 घंटे बाद लोग पहुंच रहे हैं और उन लोगों को पेपर देने दिया जा रहा है, जबकि हमें आधे घंटे पहले एंट्री करा दी गई है कि इसके बाद आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी सेंटर के अंदर, तो दूसरों को कैसे एंट्री दिए जा रहे हैं। यहाँ पे लोग आ रहे हैं वो बोल रहे हैं 16 लाख रुपये दे के आए हूँ, मुझे नहीं पता डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। आप बताइए, ऐसे ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है यहाँ पे और हमें इग्नोर किया जा रहा है, जहाँ हम इतने 16, 20 मैं मुझे 16 साल हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 20 साल 25 साल हो चुके हैं काम करते हुए और अपनी सीटों को, और ये नहीं है कि हम जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हैं तो हमें से वही काम लिया जाता है। कोई सीनियर असिस्टेंट की सीट देख रहा है, कोई असिस्टेंट की सीट देख रहा है, कोई अदर सीट्स देख रहा है, कोई PA की सीट पर बैठा हुआ है, लेकिन सैलरी वही है एक। अब इस अभी रिसेंटली जब हमारे VC साहब आए तब हमारी सैलरी प्लस DA हुआ है, नहीं अदरवाइज हमें एक 18,900 की सैलरी दी जाती थी जिस पर हम ये सारे काम कर रहे थे।
तो आज भी अगर इतना सब कुछ करने के बाद, इतना वो सब करने के बाद भी हमें इस तरह से इग्नोर किया जाएगा, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमारी फैमिलीज हैं, हमारे बच्चे हैं, आज 40 45 50 साल की उम्र में हमें कौन नौकरी दे रहा है जो ये लोग हमें आज निकालने के उस पर तुले हुए हैं। मैम, जैसे आजकल सरकार बात कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वुमेन एम्पावरमेंट की बातें कर रही है, तो आप उसे कब तक सहमत है? यहाँ पे आपको लग रहे हैं जो हालात हैं हमारे, जिस हालात ये जानना चाहती हूँ, जो आपने धरना प्रदर्शन में आपने जो प्रॉब्लम फेस करी है, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे ना? मैम, आप वहाँ जाके कवर कीजिए, देखिए सबसे ज़्यादा तो वहाँ लेडीज़ बैठी हुई हैं, जेंट्स संख्या कम है, लेडीज़ ज़्यादा है वहाँ पे, और हम लोग सफ़र कर रहे हैं, हमारे बच्चे हैं घर में। जब हम लोगों ने जॉब्स ज्वाइन की थी कोई 2 साल 3 साल, आज मेरी बेटी, मैंने जब ज्वाइन की थी ना 3 साल की थी मेरी बेटी, आज वो 22 साल की हो चुकी है, एमए कर रही है। आप सोचिए, मेरे को 2-4 साल बाद उसकी शादी भी करनी है, उसका जॉब का भी देखना, सब कुछ देखना है, वो कौन करेगा इस स्टेज पर आके? तो इस तरह से तो नहीं हो सकता है ना, हम ये होने देंगे। ये धरना तो तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगों को नहीं माना नहीं जाएगा, एनटीए कैंसिल नहीं होगा और हम सबको परमानेंट नहीं किया जाएगा, तब तक ये धरना कंटिन्यू चलेगा। और हम लोग धन्यवाद करते हैं हमारे देवेंद्र शर्मा सर और रविंदर सर का, हमारे डुक्कू का, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया और जिनके जरिए हम चल रहे हैं आगे। नमस्कार सर, आपका नाम, आपकी पोस्ट? नमस्कार मैडम, मेरा नाम सतीश कनौजिया है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के ट्रेड यूनियन में प्रचार सचिव पद पर कार्यरत हूँ। और मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कर्मचारी जो है रीढ़ की हड्डी का काम करती है। ये कर्मचारी वर्ग जब इतना अच्छी तरीके से विश्वविद्यालय को चला रही हैं तो इसको, इसका मान सम्मान होना चाहिए। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं प्रशासन से कि दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है जहाँ कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी काम ना कर रहा हो। हर क्षेत्र में, हर ब्रांच में, हर कमरे में कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी काम कर रहा है और वो 15-20 साल से काम करने में इतना निपुण है कि नया व्यक्ति वहाँ उस पोस्ट को नहीं संभाल सकता। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को किसी ना किसी रास्ते से आप इनको रेगुलर कीजिए, इनको परमानेंट कीजिए। हमने जब आपसे मीटिंग करी तब आपने कहा था कि हम 80% ये जो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं इसी में से हम लोगों को लेंगे, लेकिन आप अपने वादे से मुकर गए। आपने पैसे की लालच में बाहर से लोगों को भर्ती किया जिनको ABCD नहीं आती, जिनको अपना ज्वाइनिंग लेटर लिखना नहीं आता, जिनको किस भी बात का पता नहीं है कि नौकरी किस तरीके से चलती है, और वो अपने बल पे कहते हैं हम तो इतने पैसे दे के आए हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी ट्रेड यूनियन का धन्यवाद करता हूँ, उसने ऐसे ही अपॉइंटमेंट को होल्ड करा दिया है। और मेरा जहाँ तक मानना है कि जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी जिस तरीके से हमारा साथ दे रहे हैं, हम यहाँ पे परमानेंट होंगे और दिल्ली विश्वविद्यालय में एक इतिहास होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी विचारधारा और जगह जगह ऊपर तक मंत्री, महामंत्री, प्रधानमंत्री तक पहुँचाएँ, ताकि हमारे जितने भी भाई बहन कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं जल्द से जल्द कार्यरत हो, रेगुलर हो। धन्यवाद। मेरा नाम आराधना गुप्ता है, मैं डुक्कू में एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, कमेटी की मेंबर हूँ और जानकी देवी कॉलेज में काम करती हूँ। ठीक है मैम, मैं अभी ये कहना चाहूँगी, हमारी एक महिला कर्मचारी ने, मैं जानकी देवी की स्टूडेंट थी। ओह तो उस टाइम पे तो जानकी देवी का एक अलग ही माहौल था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जानकी देवी का माहौल बिल्कुल ही ख़राब हो गया है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, अपने कर्मचारी जो ये कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं काफ़ी सालों से, 15-15, 20-20 साल से लगे हुए हैं, और ऑल ऑफ सडन उनको हमारी अथॉरिटी ने निकाल दिया। तो मैं उस बारे में बात करने के लिए बैठी हुई हूँ। पहले तो मुझे यही समझ नहीं आया, जहाँ तक हम लोगों को सबको समझ आता है, कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉइज़ को जो यहाँ पे पोस्ट होती हैं उनके अगेंस्ट भी लगाया जाता है, तो इतने सालों तक उनको ना भरने का क्या रीज़न था? ठीक है ना, किस लिए नहीं भरा गया? आपने उनको टाइमली अगर भर दिया जाता तो आज ये समस्या उठती ही नहीं। और फिर आपने एक एनटीए निकाला कि एनटीए के थ्रू हम आपको लेंगे, आपको एज रिलैक्सेशन देंगे, आपको मार्क्स के भी रिलैक्सेशन देंगे। आपने उनको सारे आश्वासन दिए कि आप डरिए मत, हम आप सबको रखेंगे। उन्होंने अथॉरिटी पर ट्रस्ट किया, ट्रस्ट करके एग्ज़ाम दिया, उनकी हर बात मानी। और इतने, मतलब हम लोग जब किसी मुद्दे को लेकर स्ट्राइक पर बैठते थे तो यूनिवर्सिटी कभी सफ़र नहीं करी। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे जो ये कॉन्ट्रैक्ट के साथी हैं ये सभी यूनिवर्सिटी को चला रहे होते थे, सुचारू रूप से काम कर रहे होते, तो कहीं पर भी इनको अड़चन नहीं आई। तो आज ये क्या इतने निकम्मे हो गए कि आपने इन सबको निकाल दिया? किस एग्ज़ाम के बेस पे निकाल दिया आपने?
ये एग्ज़ाम आपने इनसे उस वक्त क्यों नहीं लिया जब इनकी एज थी वो एग्ज़ाम देने के लिए। अब ये सभी शादीशुदा हैं, सभी की गृहस्थी है, बच्चे हैं, अब ये अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे या अपनी गृहस्थी देखेंगे या यूनिवर्सिटी में बैठ के काम करेंगे? आप इनकी तुलना हम लोग उन जवान बच्चों से कैसे कर सकते हैं जो अभी पढ़ के निकले हैं और सिर्फ उनका फोकस ही एक जॉब पाने के लिए है, उनका सारा ध्यान यही है कि हम तैयारी करें और एक जॉब हासिल करें, उनके साथ में हम इनका कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? आपको टाइमली जब ये आए एक दो साल कॉन्ट्रैक्ट पे रखने के बाद वैकेंसीज निकालनी थी और इनको रखना था, तब आप कह सकते थे कि हाँ भाई ये कुछ लोग जो हैं इस लायक हैं कि हम इन्हें लें और कुछ लोग ऐसे हैं हम इनको नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो समझ आती थी ये बात। अब 20-25 साल बाद एक कंपटीशन में आप मुझे बिठा दीजिए, मैं अपने टाइम पे बड़ी टॉपर रही, एसएससी क्लियर किया, आज आप मुझे कहो मैं नहीं कर सकती इन बच्चों के साथ में टॉप, नहीं कर सकती। और ये समस्या हमारे कॉलेज में भी हुई और मैंने अपने जाके एओ से कहा कि आप मुझे 6 महीने का टाइम दो, मैं टॉप कर दूंगी, लेकिन एकदम आप मुझे कहो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि हमने ये सब अब छोड़ा हुआ है, हमारा सारा ध्यान हमारा घर पे है और ऑफिस में है, यही दो फील्ड हमारी रह गई हैं। और ये सिर्फ लेडीज़ के साथ में नहीं, जेंट्स के साथ में भी यही है कि वो सारा दिन ऑफिस में होते हैं, उसके बाद उनको भी अपनी फैमिली के साथ में सपोर्ट करना होता है, बच्चे देखने हैं, घर बार का और काम करना होता है, तो वो लोग भी नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो ये एनटीए ही गलत है कि हम एनटीए में जो टॉप करेगा उन लोगों को लेंगे, ये इन्होंने जो बनाया है ये स्ट्रक्चर ही गलत था। आप कोई और स्ट्रक्चर बना लेते, आप ये कह सकते थे कि कुछ लोगों को अभी हम करते हैं, धीरे धीरे हम करेंगे, समझ आता है। पर एकदम से आपने इन सबको जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को इतने सालों तक चलाया, इतने सालों बाद एकदम आपने इन्हें नकारा, कैसे कह दिया, कैसे निकाल दिया, ठीक है। तो मेरी तो हमारी यहाँ की अथॉरिटी से यही गुजारिश है कि एक बार से अपने इस जो आपने फैसला लिया उस पर फिर से आप गौर फरमाएं और इन कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं इनको पक्का करें, ताकि अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं धरने पे, तो नेचुरली यूनिवर्सिटी का काम तो सफ़र कर ही रहा है ना कहीं परमानेंट कर्मचारी भी बैठे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के भी बैठे हैं, सरकारी पैसा हम ले रहे हैं, है ना, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है उस तरह से, ठीक है। चलिए धन्यवाद सर। आपका नाम, आपकी पोस्ट? मेरा नाम इंदर प्रधान है, स्वामी सरदान कॉलेज का प्रधान हूँ मैं और नोटिसिंग का। और ये कहना चाहता हूँ मैं, अब ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के एक परिवार है, एक सारा कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर जो भी है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट के बच्चे हैं कर्मचारी हैं, इनको पक्का करे जा। मैं नरेंद्र मोदी से भी बोलना चाहता हूँ, आगे तक हमारी मंत्री तक भी बात पहुँचे, क्योंकि हमारा एक परिवार बिछड़ गया है और इस परिवार को जोड़ने के लिए नरेंद्र प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करता हूँ, अब हम हमारा ये समाधान करें, क्योंकि ये एक भारी परिवार कॉन्ट्रैक्ट पर जो कॉन्ट्रैक्ट पर ये पक्के करे जाएँ, इसका समाधान प्रधानमंत्री से भी निवेदन करता हूँ, अब इसका जल्द से जल्द समाधान करें प्रधानमंत्री जी, और ये कॉन्ट्रैक्ट पे पक्के करे जाएं, मेरा निवेदन ये है जी। मैं भारत सरकार से निवेदन करूँगी कि जो आपने फैसला लिया है उस पर पूर्ण विचार करें और प्लीज़ धांधलेबाजी बंद करें, और इन सब भाइयों को बहनों को जिन्होंने इतनी मेहनत से इतने सारे साल अपने इस देश को, इन संस्था को दिए, प्लीज़ उस पर रिकनसर्न करें। और कंसर्न अथॉरिटी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपने विचार पूर्ण विचार करें। थैंक यू सो मच। मैं जूम इंडिया न्यूज़ से राधा खोचर दिल्ली से, थैंक यू।
कई दिनों से देख रहा हूं कि इस जमात के अंदर कुछ लोग बड़े भ्रमित करने वाले होंगे, ब्रेन वॉश करने वाले होंगे कि इन बच्चों को कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। परंतु इस मन से मैं ये कहना चाहूंगा कि संख्या बल में इतनी ताकत है कि दो हाथियों का मुझे भी कम पड़ जाएगा। साथियों, अब नारों का जवाब नारों से देंगे। थोड़ा कल के लिए रहने दो, कैसे चलता है ये शरीर हमारा जो चलता है ना, रीढ़ की हड्डी के पर पे चलता है, पैरों पे नहीं चलता। साथियों, आज दिल्ली विश्वविद्यालय का जो हमारा गैर शिक्षक विभाग है वो दिल्ली विश्वविद्यालय की रीढ़ की हड्डी है। अगर प्रशासन से चेतावनी देता हूं, अगर दो दिन के लिए अगर ये रीढ़ की हड्डी तेरी जाम हो जाए तो दिल्ली विश्वविद्यालय बंद हो जाएगा। मेरा आप लोगों से बार बार यही निवेदन रहा है, 15-20 सालों से बहुत लंबा समय होता है, हर साल कॉन्ट्रैक्ट का हर कर्मचारी सोचता है कि वैकेंसी आएगी तो हमारा भला होगा, कोई वैकेंसी आएगी तो हम परमानेंट होंगे। कई बार आस लगा लगा के उम्र बीतती चली गई साथियों, और आज ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हम मुड़कर कहीं जा नहीं सकते और किसी संस्था में हम जा नहीं सकते। हर राज्य में हर कोटे के कर्मचारी को अच्छे तरीके से काम करने की योग्यता है। जब योग्यता ये सारे कोटे के कर्मचारियों के अंदर है, मैंने बार बार ये कहा था कि इन लोगों को अंदर जब भी योग्यता है तो इनको जो है परमानेंट क्यों नहीं करा जाता, इन सभी को परमानेंट करना चाहिए। 15-20 साल बहुत होते हैं। सबसे पहले तो जितना भी ये प्रशासन है भ्रष्ट प्रशासन है, इसको एग्जाम लेना ही नहीं था। अरे एग्जाम का मतलब क्या होता है? एग्जाम का मतलब होता है कि जिस भी सब्जेक्ट में उसे काम करना है क्या उसके अंदर वो योग्यता है। 15-20 साल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा होता है साथियों, 15-20 साल से ये हर महीने हर 6 महीने एग्जाम देते चले आए, एग्जाम देते चले आए, पास होते चले, हर साल पास होते हुए चले गए। 15-20 साल में जब ये पास होते चले गए तो क्या आज ये योग्य नहीं है? ये योग्य है। आपको हर बार इनके लिए जब भी कुछ सोचना अच्छा सोचना पड़ेगा। आपने जितने भी पद नियुक्त करने की सोची है उसके अलावा भी अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारी रिक्त पोस्टें पड़ी है। आप अगर एक बार सर्वे करेंगे तो मेरा जातक है रिकॉर्ड के सारे कर्मचारी परमानेंट हो जाएंगे। साथियों, पीड़ा तो बहुत है। पीड़ा क्यों है? पीड़ा सिर्फ इसलिए है कि आज जब मैं इन भाई बहनों से मिलता हूँ, मैं देखता हूँ कर्मचारी भाइयों को, सोचता था कि ये रेगुलर होंगे, कभी किसी पार्टी में मिलते हैं, कभी किसी शादी में मिलते हैं, कभी किसी फंक्शन में मिलते हैं, हमेशा ये सोचता है सीट पे ये परमानेंट आदमी होगा। लेकिन बहुत दुख होता है कि आज वो सर्वे में अपना चेहरा दिखा रहे हैं। सिर्फ नालत है तुझे वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, नालत है तुझे, तेरी वजह से आज ये परिवार यहाँ बैठा हुआ है। मेरा बार बार ये निवेदन है, आप वहां से उठकर इस तरीके आए और यहाँ हमारे इस जो
परिवार में हमारी जो यूनियन के नेता है उनको बुलाए और जल्द से जल्द फैसला करें, नहीं तो ये आवाज ये लड़ाई बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी और शायद एक दिन ऐसा आएगा कि ये विश्वविद्यालय आपको मजबूरन बंद करना पड़ेगा। फैलिस्टीन के आंदोलन में जो हम चीज चीज के लेकर आए थे साथियों, क्योंकि जिस चीज का हम पैदा उठा रहे थे और जिसके ऊपर हम मानते थे कि भाई ये काम करवाने तो वो मेरे सम्मानित साथियों करके छोड़ते जो है इसमें, क्योंकि आज जो हम बैठे हैं आज जो है 25वां दिन है, 25 जुलाई से बैठे हैं, धरना चला बिल्कुल मजबूती के साथ, लेकिन जो चीज मैंने आपके बीच में बोली चंडाल चौकड़ी, वो चंडाल चौकड़ी जिसने जीवी की लड़ी थी, बड़े बड़े नौरानी चेहरे नजर आ रहे थे आपको जो जीवी के अंदर जो है बहुत फुलाई फुलाई में खड़े थे बैठे ऐसे लोग कि हमको बोलने दिया जाए, बात करते लंबी लंबी के कॉन्ट्रैक्ट के साथियों को क्या होगा, अरे कल के अंदर शर्म करो, अगर शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर तो चुल्ली भर पानी लेकर उसके अंदर डूब मरो साथियों का सवारी साथी और मेरे परमन परमन साथी जो इस हवन के अंदर अपनी आहुति दे रहे साथियों जो है उनको मैं नमस्ते करता हूँ, उनको मैं सलूट करता हूँ साथियों द्वारा। और क्योंकि जब इंटरव्यू की कॉल होती है साथियों द्वारा, क्योंकि मैंने बीच में कई मीटिंग हुई है उस मीटिंग में भी मैंने बोला कई लोगों को घर के अंदर बैठ के हलवा पूरी और गाजर मुड़ी खाने का शौक होता है साथियों द्वारा, कईयों को जब ठंडे का टाइम होता है तो कहते हैं मैंने अपने बच्चे के लिए एक पढ़ा जाना है, मान में एक चीज जाना है, अरे क्या इतने दिनों से धरना चले, और कई मूर्तियों से ऐसे भी आती है आपके बीच के अंदर मूर्तियां आएंगी अपना मुखड़ा दिखाएंगी कि हम आपके साथ हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी के साथ हैं, हम नवीन मनचंदा के साथ हैं, और जैसे ही नच धंधन धरना शुरू होता है नच के बाद वो मुखड़े नजारा पे रहते हैं साथियों जो है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हमने ये कर देंगे वो कर देंगे ये कर देंगे, अरे तेरे अंदर करने का मादा है और तू इतना बड़ा प्रधानमंत्री की औलाद समझते हैं अपने आप को, इस तरी माँ के मां बैठे सुबह से लेकर शाम तक पता लग जाएगा तो वो कितनी ताकत होती है, बैठने के लिए भी यहाँ बैठने के लिए भी ताकत चाहिए होती है, ऐसे नहीं बैठा जाता जो है। और मेरे सम्मानित साथियों कई मेरे मित्र जिनके चेहरे में पढ़ता हूँ ये रोज है बैठे रहते साथियों, एक मेरी बहन उनका पढ़ने में सीट एम क्यू है उनकी सीट फीस है, एक मेरे हॉस्टल के मेरे सम्मानित साथी इनके लिए जोरदार ताली बजाओ साथियों, ट्रेनिंग होते हुए मेरे हॉस्टल के सम्मानित साथी सारे बैठे हुए पीछे बैठे हैं, जोरदार ताली बजाओ साथियों, और मेरे ग्रामीण के साथी जैसे मर्जी आते हैं जिस तरीके से आते हैं लेकिन इस धरने में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करते हैं साथियों जो है, लेकिन कुछ मेरे सम्मानित साथी सुबह आते हैं सकल में सभी देखता हूँ कॉलेज बंद किए ज्यादा दूर के नहीं है, आएंगे वहां पे हाजिरी मारी, हाजिरी मारने के बाद इधर आए पांच मिनट उधर बैठे, पांच मिनट उधर बैठे, मैं देखता हूँ जो पांच मिनट उसको बैठ गए, उसके बाद जय श्री कृष्ण नमस्ते हो गया, आज का धंधा पूरा हो गया। अरे जब हम कॉलेज के अंदर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे अपना काम करते हैं तो हमारा नैतिक दायित्व नहीं बनता, हम इस धरने में सुबह 10:30 बजे आ गए और शाम को 4 बजे में बीच में 1 घंटे का लंच भी होता साथियों को, 1 घंटे का लंच देते हैं, और जब हम कॉलेज में काम करते हैं तो हम जाते नहीं कॉलेज के अंदर, अरे सारी संस्थाओं ने एक ग्रुप छोड़ रखी है कि कॉन्ट्रैक्ट के साथियों को किस तरीके से पक्का करा जाए सिस्टम से, अरे उनका तो सवाल न करो, लेकिन कुछ भेड़िए
इनके पहले एक होंगे जो एनडीए के दलालों के बीच में चंडाल चौकड़ियों के बीच में जिन्होंने मोटे मोटे रकम रखे। आप सभी साथियों को पता है, मेरे सारे पार्लियामेंट साथियों को पता है, वो चंडाल चौकड़ी सुन ले इस पद से तब लगा लेंगे अपना। लेकिन तुमने जो काले कारनामे कर रखे हैं, 18 तारीख आने वाली है, अपनी पैंट शर्ट बचा के रखना, तुम्हारे कपड़े 18 तारीख को वही पड़ेंगे जिन्होंने 20-25 लाख लेके सिस्टम के अंदर आया साथ उनके सोचते हो। हमको नहीं पता, एक दिन नया मालूम है, बहुत बड़ा नेता बनता है कि मैं प्रधान बनूंगा, मैं चलो शक्ति बनूंगा। अरे अकल के अंधे, तो चलो शक्ति प्रधान कब बनेगा? जब जनता के बीच में आएगा, जनता के बीच में अपनी बात रखेगा। लेकिन वो नहीं कि चैनल बड़ी हुई तो स्टेज में बैठूंगा, फ्रंट लाइन के अंदर सबसे पहले बैठूंगा, क्योंकि मैं आने वाला भाई हूँ। मैं मानता हूँ, मैं हमारे साथियों राजनीति के अंदर अपोजिशन होना चाहिए। अपोजिशन नहीं होगा तो कर्मचारी के काम कैसे होंगे? अपोजिशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा निकम्मा अपोजिशन नहीं होना चाहिए। धरने में आएंगे नहीं, अरे एकदम हारा तो हमारे ऑफिस में कभी कहते हैं मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, कभी कहते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कभी कहते हैं मेरी टांग में दर्द हो रहा है, और मंच के अंदर बड़ा उछल रहा है, भंग हो जाए, ले उधर ले उधर जो है, ये ऐसे नहीं बोलेगा, ये ऐसे नहीं बोलेगा। अरे प्रधान बैठा होता है जो है, अगर माइक मेरे पास होता ना फिर मैं दिखाता चलूंगा, जो है चलवा दिखाने में कहीं कसर को छोड़ने वाला नहीं हूँ, धक्के मार के नीचे फेंकने वाला नौ में जो है। उधर प्रधान जी ने बोला कि आपने उस दिन कुछ नहीं बोलना, अरे जब बोल दिया मन से, इस मन से बोल दिया कि वो धरने में उस चुबी के अंदर, तो इस धरने के अंदर जिसने आपसे भागीदारी दे रखी है, वो चुने पानी के अंदर बोलेगा। और एक निकम्मा ऊपर से आवाज मारा है, वो मेरे कॉलेज का छात्र छोटा भाई आज भी बोलना था जो है, मतलब एक निकम्मा ऊपर बैठा हुआ आवाज मारा है, अरे ये तो आज ही आया तो प्रधान जी ने छीन ही लिया बाप उसका जो है। प्रधान जी ने राजवीर भाई को मना कर दिया, लेकिन जब दूसरे की बारी आई तो वो इतने बड़े बदमाश समझ रहे थे अपने आप को के पकड़ लेंगे, चैनल मोड़ी मोड़ चलने देंगे। अबे सुन लो कान खोल के, ऐसा मत कर देना। अभी तो एक साल का पहले इलेक्शन किया, वो किसके लिए किया? क्योंकि तुम भ्रष्टाचार के पाले में वो फैली हो। हमारी चार चीज होने के बाद भी जो है अंदर जाके गुरु जी ये नहीं करना आपने, अरे तेरे बाप ने एक चीज निकाल दिया जो हमको सेंट्रल कमेटी के अंदर लिख के दिए, प्रैक्टिकल का पैसा ऐसे नहीं मिला। लोग समझते आ गया मैं बन गया और काम हो गया, अरे 2017 से मेरे हमारे कुकुलसा के जो पदाधिकारी है जिन्होंने अपनी मुहिम छेड़े किए, जब अब टुकू में जीत गया 19 के अंदर, क्योंकि 17 से बंद कर दिया मैं तो 19 से उसकी मीटिंग मेरे सम्मानित साथियों उस फाइल की मूवमेंट हमको पता थी। वो फाइल कभी यहाँ घूम रही है, कभी उसके पास घूम रही है, कभी एक्स के पास, कभी वो संरक्षण के पास, कभी रजिस्ट्रार के पास, कभी डीसी के पास, सब चीज पता हमको जो है। लेकिन अल्टीमेट काम हुआ है, वो अपनी ताकत के बेस पे हुआ, ऐसे नहीं हुआ जो कहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे कल के अंदर देख लो, धरना चला 25 जुलाई से, वो सेंट्रल कमेटी में जो चार चीजों में से एक चीज की है, तीन चीजें टाइम बताऊंगा सब जगह। लेकिन अभी जो हमारी डिमांड है, जो मेरे कॉन्टेक्ट के संबंधित साथियों को उस तरीके से बर्बाद किया जाए जिस तरीके से हमारे भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने 2400 लोग एमपीएमसी के अंदर प्रदान किए, उसी तर्ज पर मिस्टर वाइस चांसलर सुनवाई नाम खोल के आपने हंगामे बनाए, आपने सारे सब मंत्रियों सचिवों को सबको बुलाया, बड़ा खुश किया तुमने जो है, अरे एक प्लीन की भी ले रहे थे कि आप एमपीएमसी के अंदर करके आओ, ये
या कॉल करके काम चल रहे हमारे सिस्टम के अंदर पिछले 20-22 साल से काम कर रहे हैं, तो इनको भी पक्का किया जाए। लेकिन करना नहीं था क्योंकि नोट चाहिए थे, नोट। अभी भाई ने बताया 7 करोड़ है, अभी भाई ने सिंगल बताया 7 करोड़ है, 7 करोड़ नहीं है, कई 700 करोड़ है जो अपनी जेब के अंदर ले रहे हरे हरे नोट जो है। और पता नहीं भगवान जानता ऊपर वाला कौन सी कमर के अंदर घुसने के पैसों को जो है, वो पैसे मेरे सम्मानित साथियों इसी मंच से निकलेंगे जो है, और उनके सारी कमर जो उनके उन्होंने नोट को पोटरी में बना रखी है सब खोद के निकाली जाएगी साथियों। बचने वाले नहीं है कोई भी है, और जो चंदा चौकी के पारे है भेड़िए बिल्ले गुलाम गुलाम नास्तिक के बैठे जब भारत बना दिया था तो कुछ भगत सिंह थे, कुछ झांसी की रानी थी जिन्होंने भारत वर्ष को आजाद कराया था, और अभी भी कुछ कप्तान इन काले अंग्रेजों के बीच में पाले हैं, वो काले अंग्रेजों के पाले हैं गुलाम, कहते कैंटर के साथ वह कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे तुम्हारे बाप बैठे यहाँ पे, तुम्हारे बाप के सारी संस्थाएं बैठी यहाँ पे जो है, साथी बैठे मुक्का ठोके आंखों से आंखें मिला के काम कराना आता हमको साथियों जो है। हम बिकने वाले नहीं है, हम बच्चे लगाने वाले नहीं है, क्या ये नहीं भाव तो फाड़ दूंगा और अंदर जाकर जय श्री कृष्ण लेट के लंबा होकर खोलगा पूरा, जो यहाँ बात करते वही बात अंदर चीजा ठोक के रखते हैं साथियों जो है। और मेरे सम्मानित साथियों वो एक निकम्मे प्रशासन को ये पहुंच चुके हैं साथियों जो है, तब हमारे डायरेक्टर साहब निकम्मे श्री प्रकाश ने हम बार बार पूछे व्यवस्था चाहिए तो मालूम हुआ व्यवस्था लेकर आते हैं 2018 का, कहते थे 2018 का प्रीमियम का रोस्टर पास है, तो मैंने वहां पर जो है हमारे सारे संस्थाओं के पदाधिकारी थे एक को छोड़कर, आप सब समझते हो तो कौन सी संस्था हमारे बीच में नहीं बैठी, एक संस्था को छोड़कर सारी संस्थाओं का पदाधिकारी ने बोला कि 2018 को हमको रोस्टर चाहिए। और एक मालूम हो हमारा ही छोटा भाई है जो है जब श्री ने बोला भाई इनको दे दो फोटो कॉपी करके, तो बंदा क्योंकि है तो उसी के रजिस्टर का कहता है रजिस्टर साहब ने 2018 का रोस्टर देने के लिए मना कर रखा। अरे कब तक नहीं दोगे, कहाँ तक नहीं दोगे, आपको वो चीज देनी पड़ेगी क्योंकि बंदर बाप की उन्होंने सोचे जो है बंदर बाप नोटों की बंदर बाप वो कितने खतरनाक है इनके पाले में फेरी है। परसों एक कॉन्टेक्ट के ग्रुप में मैंने एक वीडियो देखा जो जो मैंने एंटी के थ्रू पास साथी है उनको बता दिया इन चंदा चौकड़ियों ने जो है कितने पाले गुलाम है जो है के ये कॉन्टेक्ट के साथी तो जो है कोर्ट है हारे हुए, बताओ कितना बड़ा मंच से इनका जो है उन साथियों को कोई वो साथी हिंदी के पाले हुए जो 20-20 लाख में है उनको पता दिया गया साथियों जो है कि ये लोग कॉन्टेक्ट के लोग हार रहे हैं। अरे कल के अंधे तो काले नहीं है, ये जब पहले सिंगल धरना चल रहा था जो श्री प्रकाश चाहे तो सौ के पास उसने हमको बोला कि कॉन्टेक्ट के साथियों में जो कॉन्टेक्ट के अंदर का चल साथी काम करे 80% नई साथी बन गए होंगे। और तब मेरे सम्मानित साथियों जब चलता लैपटॉप नहीं देगा मैं तो फिर कह रहा था कभी तो जो कि एक भी साथी पास नहीं हुआ जो जूनियर असिस्टेंट के अंदर मेरे काम में साथी थे उसमें सिर्फ 23 से 24 लोग पास है, और अभी उनको 2 जीरो चाहिए साथियों में। तो मेरे सम्मानित साथियों क्योंकि अभी उन्होंने जो जूनियर असिस्टेंट के कार्य साथी है उन्होंने भी दोस्त बहुत देने, लेकिन आपकी ताकत के बीच में मेरे सम्मानित साथी राधा कोचर जूम इंडिया न्यूज से आप देख रहे हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी कर्मचारी यूनियन का, सामने हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं आप देख सकते हैं इनका।
इनकलाब के नारे लग रहे हैं, इनकलाब के नारे लग रहे हैं। काफ़ी अच्छा चल रहा प्रदर्शन, काफ़ी दिनों से चल रहा है, जुलाई से चल रहा है इनका प्रदर्शन, आप देख सकते हैं लाइव चल रहा है यहाँ पर। अम्बेडकर एसोसिएशन वाले भी हैं यहाँ पर। धन्यवाद मेरे सभी सम्मानित साथियों का। और आगे का फैसला मेरे बड़े भाई और टुकड़ू का अध्यक्ष प्रेरणा शर्मा जी आएंगे, फैसला नहीं बताएंगे, अपने विचार भी रखेंगे। एक बार जोरदार तालियां। प्रधानमंत्री का आदेश आगम था, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी कॉन्टेक्ट की महिला शक्ति और झांसी सेंटर में कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, आज से स्टार्ट हो गए, जिसमें मैं भी सर भाग लेती थी, पर इस बार इतना मजबूर हो चुके हैं कि कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो मैं आज आप सबको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, जो हमारे सबके लिए है, हमसे संबंधित है। तो एक बार हुआ, कुछ लोगों ने ये कहानी सुन रखी है मुझे लगता है। एक बार हुआ कि बादलों की ना हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा कि हम अभी 4-5 साल हमारा मूड नहीं है, हम बसेंगे। तो किसानों ने क्या किया, किसानों ने अपने हल पैक करके रखने शुरू कर दिए कि अब बारिश ही नहीं होगी तो हल जोतने से क्या फायदा, हम कुछ और देखें, कुछ और करें। मतलब अपना जो रोजी रोटी जो सब वो छोड़ने के लिए तैयार किए। हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, बादल बरसेंगे नहीं तो हम हल कैसे जोतेंगे। लेकिन एक किसान था वो नहीं मान, वो कह रहा कि ठीक है बादल नहीं बरस रहे ना बरसे, लेकिन मैं आज हल नहीं जोतूंगा, मेरे को तो यही आता है, मैं तो कुछ और कर नहीं सकता हूँ, या मैं कहाँ जाऊंगा आप अपनी रोजी रोटी छोड़ के। तो पता लग रहा है कि जब भी बरसेंगे और मैं तब तक हल चलाना भूल गया तो कि हल कैसे चलाते। तो उसने कहा कि नहीं, मैं हल चलाना नहीं छोड़ूंगा। उसने हल चलाना अपना जारी रखा। एक दिन हुए, दो दिन हुए, तीसरे दिन कुछ बादल नीचे से गुजर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि पहले तो वो हंसे बड़े जोर से ठहाका मार के, और के पास पूछते क्या कर रहे हो। तो कह रहे हल जोत रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि हम तो बरसेंगे नहीं तो ये हल जोतने का क्या फायदा है। तो कह रहे तो तुम नहीं बरसोगे तो मैं क्या करूँ, मत बरसो, मैं अपना कर्म थोड़ी छोड़ सकता हूँ, ये मेरा कर्म है, ये तो मुझे करना ही है, मैं भूल जाऊंगा हल कैसे चलाते हैं। जैसे ही उन्होंने ये सुना तो वो बादल तो घबरा गए। क्यों घबरा गए, वो कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि मैं हल चला नहीं चलाऊंगा तो हल चलाना भूल जाऊंगा, और हम बरसेंगे नहीं तो ऐसा ना हो हम बरसना भूल जाएंगे। और उन्होंने बरसना शुरू कर दिया, उन्होंने बरसना शुरू कर दिया। तो जो वो किसान जिसने हार नहीं मानी कि नहीं मैं अपना कर्म नहीं छोड़ सकता, क्या हुआ उसकी मेहनत सफल हो गई। और बाकी जितने भी थे वो क्या किया उन्होंने, वो हार चलते रह गए। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं, कभी हार मत मानिए, कभी अपनी हिम्मत छोड़िए मत, क्योंकि आज विपरीत परिस्थितियां हैं, जरूरी नहीं कल भी रहेंगी। कल आज जैसे बुरा समय है तो ऐसा नहीं कि कल भी अच्छा समय नहीं आएगा, एक दिन अच्छा समय भी आएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं, उनको नहीं मिलती जो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। तो क्या कहेंगे,
क्या कहते हैं कि जो पानी से नहाते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो ही इतिहास बदलते हैं। दो लाइनें और कहूंगी, हौसले के तरकश में वो तीर हमेशा जिंदा रखो, हौसले के तरकश में वो तीर हमेशा जिंदा रखो, हार जाओ चाहे सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद हमेशा जिंदा रखो, मगर जीतने की उम्मीद हमेशा जिंदा रखो। तो एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और यही कहूंगी अपनी हिम्मत कभी मत छोड़िएगा, अपना संबल कभी मत जाने दीजिएगा, सब कुछ मिल सकता है सिर्फ एक कोशिश की जरूरत है, सब कुछ हासिल कर सकते हैं हम जिंदगी में, यहाँ तक आए हैं इससे आगे भी जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक हिम्मत की एक कोशिश की जरूरत है, उसे कभी मत छोड़ो। धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी। सम्मानित मंच, अच्छा बोले सुमन, मॉरल बूस्टिंग था, अच्छी बात है, ये सबके जहन में रहना चाहिए। साथियों आज वर्किंग कमेटी हमने बुलाई थी, वैसे तो हम 16 तारीख से इंडेपेंडेंट में चले गए थे, लेकिन लोगों ने इसको अपना वो बना लिया, छुट्टी का एक साधन बना लिया है, उसको तोड़ने के लिए वर्किंग कमेटी ने सर्वसम्मति से डिसीजन लिया है शुक्रवार को और सोमवार को सभी कर्मचारी अपने अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में ड्यूटी पे जाएंगे, साथ ही परमानेंट वाले यूनियन के ऑफिस मैनर, एग्जीक्यूटिव के मेंबर, स्पेशल इनवाइटी प्लस संस्थाओं के पदाधिकारी, जो संस्था में मौजूद थी, जो नहीं थे नहीं थे, जो संस्था में मौजूद थी उनके पदाधिकारी, कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही, क्योंकि रेगुलर दुकान कॉन्ट्रैक्ट वाले नहीं कॉन्ट्रैक्टर से धरना है, तो उन सबके साथ हम सब आपके साथ यहाँ धरने पर कंटिन्यू बैठे, ये हमारे वर्किंग कमेटी का एक वक्त फैसला है। डुकू के ऑफिस बैरर, डुकू की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर, स्पेशल इन्वाइटी प्लस संस्थाओं के ऑफिस बैरर, हम सब अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथियों के साथ फ्राइडे और मंडे को धरने पर बैठेंगे, ट्यूजडे से फिर धरना इंडेफिनिट चलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया हमने। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कैंपस कॉलेजों की अटेंडेंस लगवा रहे थे, आउटर कॉलेज को डायरेक्ट बुला रहे थे, क्योंकि आउटर कॉलेज जिनकी हम अटेंडेंस नहीं लगवा रहे थे उन लोगों ने ज्यादा ये पैसा बनाया तो अपने घर बैठे आराम से, उनको सुबह की अटेंडेंस की चिंता भी नहीं है, यहाँ वाले तो ये अटेंडेंस लगाए तब निकल रही दौड़ा जा रहे, लेकिन वो तो घर से ही नहीं पहुंच रहे वहां। एक कॉलेज का एक साथी कह रहा है कि 40 में से मैं अकेला आता हूँ, लेकिन हाजिरी मत लगाओ, तो 39 तो आई थी भाई, 39 का तो पता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ, 39 एक आप आ रहे हो अकेले। तो मंगलवार से चिट्ठी हम निकाल देंगे, चाहे कोई साउथ में ड्यूटी कर रहा है, चाहे आउटर कॉलेज में ड्यूटी कर रहा है, सभी साथी सुबह की अटेंडेंस अपने अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में लगाएंगे, कॉलेज में लगाएंगे, और शाम की अटेंडेंस यहाँ पे ली जाएगी और प्रिंसिपल को भेजी भी जाएगी, ऐसा काम करने वाला नहीं है, या तो वो मना करते हैं कि फिर हम डुकू में नहीं आना, हमने बताओ सुबह की हाजिरी आपने लगानी नहीं आना, बताओ तो भैया शाम की हाजिरी प्रिंसिपल को भेजेंगे और सुबह की हाजिरी अपने डिपार्टमेंट में लगेगी, अदरवाइज तुमने तो मजाक बना लिया यूनियन को, यूनियन नहीं समझ रहे जिस भी कॉज के लिए। तो ये वर्किंग कमेटी का फैसला था, मैंने आपके बीच में रख दिया है। दूसरा साथियों, अभी सुमन ने जो भी बात की है मैं आपको फिर एश्योर कर रहा हूँ, ये हम ये चाहते हैं कोई बड़ा प्लान जो हम बनाएंगे, कोई बड़ा प्लान जो हमने बनाना है उसके लिए संख्या तो अब इतने लोग खड़े हैं, अब मैं रैली दिखा दूं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 बजे क्यों खड़े, पहले क्यों नहीं खड़े सारे भाई, 4 बजे आप खड़े, 4 बजे पता है मैंने बोलना है, अगर अगर ये संख्या 2 बजे होती तो गेट नंबर 1 काम नहीं होता अभी भाई, 2-3 बजे अगर आप लोग इतनी संख्या में इकट्ठे होंगे, हमें पता रैली रहेगा और जाओ रैली गेट नंबर 1 पकड़े हुए जाके इकट्ठे होंगे, 2 बजे बैठे 50 आदमी
तो भाई थोड़ा सा चेंज करिए, क्योंकि 25 तारीख बहुत लंबा पीरियड होता है जब से मरने में बने 25 साल से, बहुत लंबा पीरियड बढ़ता जा रहा है। हम नहीं चाह रहे, हमें चाह रहे करें तो सही है कुछ, भाई रिप्लाई ये नहीं कर रहे, भाई चिट्ठियों का रिप्लाई कर रहे हैं, ये काम गलत बैठे, गलत भी तो बताए, गलत भी तो नहीं बता रहे, ये बोल रहे हैं इलीगल बैठे हुए। अरे बोलो इलीगल तो बोलो, कुछ तो बोलो, फोटो खोलो कम से कम, इनके तो मीटिंग में जाएंगे तो जवाब नहीं इनसे, वैसे कुछ भी बोलेंगे तो एक परीक्षा यही वाली तो देखे कब तक बैठ जाते हैं। तो उसमें अगर दोष है तो सिर्फ हमारा दोष है, हमारे कर्मचारी का दोष है, वो यहाँ करने पर नहीं आ रहा, उसके लिए हमें प्लान अपना चेंज करना पड़ा है। दूसरा, मेरे जो भी साथी हैं ट्यूजडे से, चाहे मेरे गार्डन के साथी हैं, चाहे मेरे इंजीनियरिंग के साथी हैं, साथी एक चीज बताओ, इसको माइंड मत करना, जब तक ग्रुप बी इस यूनिवर्सिटी के अंदर था, अब तो आउटसोर्स हो गया है, तब तक यूनियन है उन्हीं के बलबूते में चली, कोई माइंड करे इसको, बाबू के बलबूते में कभी यूनियन नहीं चली, यूनियन चली हमेशा ग्रुप बी के बलबूते में, अब इन्होंने उसको आउटसोर्स कर दिया, तो आउटसोर्स करने से ये वाला लॉस जरूर आया। उन लोगों ने हमेशा मजबूती दिखाई, उन लोगों ने इस झंडे को ताना, ये जो डूकू का झंडा है, यूनियंस का झंडा है, ये उन लोगों ने उठा के रखा। तो मेरे जो गार्डन के साथी हैं, इंजीनियरिंग के साथी हैं या दूसरे साथी हैं, मैं उसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे निकाले अपना। और रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, आप ये मत समझो इन्हीं के लिए बात कर रहे हैं, जो बात 32 साल की गार्डन में भी लग रहे हैं उनकी भी बात कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी के साथी एक दिन यहाँ पे नहीं आते 32 साथी उनकी भी बात कर रहे हैं, जो मेरा ऑफिस अटेंडेंट का साथी वो नहीं भी आ रहा तो उसकी भी बात कर रहे हैं। मैं खुद कह रहा हूँ आपके बीच में, 1970 के बाद कोई कानून देश में नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का। अभी पीछे हिंदू कॉलेज की मंत्री ने वॉक फॉर इंटरव्यू करके पोस्टर निकाल दी, अरे कोई तो चीज हो, कोई तो सिस्टम हो भाई, कॉन्ट्रैक्ट तुम लगाओगे, लेकिन पहले क्या था, एक टाइम था मोस्टली लोग पहले कच्चे लग गए, उसके बाद पक्के हो गए, सब परमानेंट हो गए, भाई एक पिता थी वो, उसमें लगा तो भाई लगा लिया, कैसी चीज पक्के आदमी, कोई ऑफिस अटेंडेंट में लगा, कॉन्ट्रैक्ट में लगा, सेशन ऑफिसर रिटायर हुए, लेकिन अब वो जमाना चेंज है साथी, आज की डेट में इस चीज की सख्त जरूरत है कि कोई ना कोई बायलॉज बनना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का, नहीं तो 100 साल की कोई लिमिट ही नहीं है। अरे 22 साल नौकरी कर लिया मेरे गौरी, अरे एक और मैं तो बात सुनो, एक हुआ क्या हमारे कॉलेज में, अभी जो अपॉइंटमेंट हुई है उसमें 22-24 साल में एक लेडी पढ़ा रही थी, उसको निकाल दिया, तो किसी ने उनसे कहा आपकी क्या हो रहा है, हमारी हड़ताल हो रही, कितनी हो रही है, हमारे कर्मचारी जो 15-20 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको निकाल रहे हैं, तो क्या कहा उसने, कह रहा है सो हमें भी निकाल रहे, काफी बड़ी बात है, मतलब टीचर्स के अंदर इतना जोश नहीं बन पा रहे हैं जिनको निकाला गया है, तो वो एक समूह बना ले, एक बंदा सुसाइड कर गया टीचर, लेकिन एक समूह में नहीं बन पा रहा है, निकाले गए टीचर्स के, डिस्प्लेसमेंट हुआ टीचर्स का, लेकिन वो एक ग्रुप नहीं बना पा रहे। ये आपके लिए तो कम से कम मैं करूं, इतनी तादाद भी आपने इकट्ठी कर ली है, बड़ी बात है, इकट्ठा नहीं हो पा रहा टीचर, 22 साल पढ़ाने के बाद बाहर जा रहे हैं, कहां से आगे बाहर जा रहे हैं, बोल नहीं रहा कोई, आवाज नहीं है उसके अंदर, और ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसमें से डिस्प्लेसमेंट ना हुई हो टीचर्स की, कोई भी, और बड़े बड़े कॉलेजों में जो हमारी कमेटियों में बैठे हैं उन्होंने भी डिस्प्लेसमेंट करी है टीचर्स की। तो साथियों कोई ना कोई तो आवाज बनेगा, मैं तो बार बार आपसे यही कहता हूं कि आज इस गेट नंबर 4 पर इतिहास लिखने के बाद उठना है, यहां से इतिहास लिखना है, इतिहास लिखना है, और इतिहास आसानी से लिखे नहीं जाते, अगर आसानी से लिखे जाते तो कोई भी लिख होता समझ में जाता होगा, इतिहास कुर्बानी मांगता है, और वो कुर्बानी देने के लिए सारी संस्थाएं और टुकुर तैयार है साथियों, कोई दिक्कत नहीं, हर रूप में कॉल क्यों आगे बढ़ रहे हैं, हम 4 बज गए हैं, लेकिन जो मेरे अभी हमने दिन में मीटिंग करी है अपने वर्किंग कमेटी के साथियों के साथ, 4 बजे की मीटिंग हम कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं उनके साथ टुकड़ा फुसला करेंगे, अभी आप घर नहीं जाओगे कोई भी, कॉन्ट्रैक्ट के सारे साथी जितने भी हैं ये सब टुकड़ा ऑफिस में जाएंगे, हम आपके साथ बैठ के मीटिंग करेंगे, उसके बाद जो भी होगा एक दो नारे लगाता हूँ उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद।